सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुडोस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोएम नंबर 3 द कीपिंग क्वाइट के 40 MCQs जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके टर्म 1 के MCQ एग्जाम के लिए। होपफुली आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होंगी जिसके अंदर मैंने जो 2 विस्टास के चैप्टर आपके सिलेबस में टर्म 1 के वो करा दिए हैं, साथ ही साथ 2 पोएम्स करा दिए हैं जो कि है माई मदर एट द एज ऑफ 66 एंड एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम, और थर्ड पोएम हमारी ये है कीपिंग क्वाइट। उसके बाद सिर्फ हमारे फ्लेमिंगो के चैप्टर्स रह जाएंगे और हमारा इंग्लिश का सिलेबस MCQ सीरीज के साथ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो होपफुली आपने वीडियोज नहीं देख ली हैं, और अगर नहीं देखी है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मचाएंगे सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने सारे चैप्टर के MCQs आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, सारी वीडियोज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की जो हमारी वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट। जो पोएम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट, वो हमें क्या दर्शाता है, वो किस तरह से, मतलब हमें जैसे हम इस पोएम के टाइटल को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं हमारे माइंड में क्या चीज आती है। इनएक्टिविटी बिल्कुल नहीं, नॉइस बिल्कुल भी नहीं, अनहैप्पीनेस नहीं, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस यस। जैसे हमें कोई कहता है कीप क्वाइट तो हम समझ जाते हैं वो हमें चुप रहने के लिए कह रहा है, साइलेंस रहने के लिए कह रहा है। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब है साइलेंट को मेंटेन करके रखो, चुपचाप रहो थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है व्हाट डज द पोएम स्पीक, वो पोएट पोएम स्पीक अबाउट, इस पोएम में क्या थीम है या इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है। द नेसेसिटी टू बी हैप्पी नहीं, द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड यस दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि इस पोएम के अंदर हमें थीम ही यही है, इस पोएम का लेसन ही यही है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने आप को, साथ ही साथ दूसरों की और अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए और मिल जुल कर रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ब्रदरहुड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ इट विल हेल्प। काउंटिंग अप टू 12 से यहाँ पे क्या मतलब है, एक आवर्स ऑफ अ डे नहीं, द मंथ्स ऑफ अ ईयर यस, इट इज टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी यस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आवर्स ऑफ द डे से मतलब ये नहीं है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 12-12 करके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। तो अगर हम एक पूरे डे की बात करें या पूरी नाइट की बात करें उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की गई है। और लास्ट जो यहाँ पे मंथ ऑफ द ईयर यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट क्योंकि एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट आता है इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी यस इट इज ऑल्सो राइट क्योंकि 12 तक काउंटिंग करने में सारे लोग सेटल हो जाएंगे और जब वो इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करेंगे तो सब इकट्ठे इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज व्हाट इज द पोएट पेन नेम। पोएट का पेन नेम यहाँ पे क्या है, नेरुडा, पैबलो या पैबलो नेरुडा। तो इसका आंसर है पैबलो नेरुडा इज द राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आता है व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोएम सिंबलाइज दैट द पोएट यूज टू राइट विद। जो पोएट का पोएम का स्टाइल है वो हमें क्या बताता है पोएट के बारे में और पोएट किस तरह की राइटिंग्स करता है। डिजायर्स थोड़ा थोड़ा बताते हैं, हैप्पीनेस नहीं, होप नहीं यस दिस इज द आंसर डिजायर एंड होप। डिजायर्स के बारे में और होप्स के बारे में क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है, आजकल की जो सराउंडिंग्स है, हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके से हो गई है, सब अपने अपने काम करने में बिजी है, किसी को कोई मतलब नहीं है इंट्रोस्पेक्शन से, किसी को कोई मतलब नहीं है फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा हम प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम। ओरिजिनल लैंग्वेज इस पोएम की क्या है, ओरिजिनल लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूँ, इस पोएम की थी स्पेनिश, तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट MCQ ये बन सकता है। व्हाट इज द एसेंस और मैसेज इन द पोएम, मैसेज या एसेंस इस पोएम में क्या है, टू प्रोस्पर नहीं, टू बी हैप्पियर नहीं, टू रीच आउट मोर पीपल नहीं, इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन, टू बी मोर पीसफुल एंड टू बी इन हार्मनी यस दिस इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है व्हाट डज द पोएट फील इन नीडेड टू बी एट पीस। पोएट को क्या चीज सब मतलब पोएट के अकॉर्डिंग क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है अगर कोई पर्सन पीस में रहना चाहता है या बिल्कुल शांत जगह या शांति से साथ रहना चाहते हैं। मीटिंग विद पीपल नहीं, टॉकिंग विद पीपल नहीं, इंटरेक्शन विद पीपल नहीं, तीनों लगभग एक ही चीज है। नेक्स्ट आता है सोल सर्चिंग यस जिसका अदर नाम हम कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ पीसफुली स्पेंड करना चाहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स। क्या चीजें बैरियर्स क्रिएट करती है अकॉर्डिंग टू द पोएट, इंटरेक्शन नहीं, रिएक्शंस नहीं, फाइटिंग नहीं, लैंग्वेजेस यस। पोएट ने यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर के बारे में बात की गई है क्योंकि लैंग्वेजेस ऐसी चीज है जो दो पर्सन की कम्युनिकेशन को जो है एक बैरियर की तरह एक्ट करती है क्योंकि अगर दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो दोनों आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक। पोएट ने लोगों को ना कुछ बोलने के लिए चुप रहने के लिए क्यों कहा है,
तो बिकॉज इट्स क्रिएट नॉइज नहीं, बिकॉज इट डज नॉट लाइक नॉइज नहीं, बिकॉज इट मेक्स थिंग्स अनप्लेजेंट नहीं, बिकॉज इट क्रिएट बैरियर्स और ऑब्स्टेकल इन फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल. यस, क्योंकि अगर लोग आपस में बात ही करते रहे तो ये उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और बैरियर्स क्रिएट करने का काम करेगी, जिस वजह से जो उनका गोल है वो अच्छे से अचीव नहीं हो पाएगा. तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये MCQ सीरीज पसंद आ रही हो. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे लिए ज़रूर छोड़ के जाना, क्योंकि यही कमेंट्स हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए फर्दर अच्छा कंटेंट लाने के लिए. और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता लगे कि बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रही है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोएम. राइमिंग स्कीम का क्या टाइप है जो इस पोएम के अंदर यूज किया गया है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइमिंग स्कीम है फ्री वर्स से. वैसे अगर आपको ABAB की फॉर्म में अगर राइमिंग स्कीम होती है तो वो होपफुली आपको निकालनी आती होगी. अगर नहीं आती तो अब मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा. नेक्स्ट आता है कि फ्री वर्स से क्या मतलब है. यहाँ पे किसी भी पोएम ये नहीं है कि कोई लाइन है तो वो स्पेसिफिक अगली लाइन के साथ ही राइम होगी. यहाँ पे मल्टीपल राइम्स हैं अलग अलग राइम्स के साथ है, जिसे हम कहते हैं फ्री वर्स. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड. कैसे चुप रहना हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और कैसे ये हमारे एटीट्यूड को बहुत हद तक चेंज कर सकता है. तो इट हेल्प्स इन थिंक एंड सर्च सोल, यस. इट हेल्प्स टू स्क्रैच वन सोल, यस. इट हेल्प्स टू डेवलप न्यू थिंकिंग प्रोसेस, यस. तो तीनों के तीन ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13. How will keeping quiet protect our environment? कैसे keeping quiet, चुप रहना हमारे environment को protect करेगा. By creating peace and brotherhood feelings, yes, ये हो सकता है. No noise will be there, yes. People will not fight, yes. D, none. तो इसका आंसर आएगा जो सबसे appropriate है क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, by creating peace and brotherhood feeling. नेक्स्ट आता है what is destroying the environment. क्या चीज़ है जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है. अनथॉटफुल एक्शन, यस. वॉयलेंट एक्शन, यस. स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, यस. ये तीनों ऑप्शन है जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. और इन सब चीज़ों से हमें भी बचना चाहिए. अनथॉटफुल एक्शन, बिना सोचे समझे एक्शंस ले लेना. वॉयलेंट एक्शंस, एंगर में या गुस्से में आके एक्शंस ले लेना. स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, बिना मतलब सीधा बोल देना, बिना विचार किए कि सामने वाले पर्सन पे हमारे इस बात का क्या इम्पैक्ट हो सकता है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट. इस पोएम में जो ये नंबर 12 है वो हमें किस बारे में रिप्रेजेंट करता है. आवर्स ऑफ अ डे एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर, यस. जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अर्थ के बारे में नहीं करता, क्लॉक के बारे में नहीं करता और क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में नहीं करता. नेक्स्ट आता है व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीचर्स. इस पोएम के थ्रू हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या इस पोएम का लेसन हमें मिलता है. तो इसके ऑप्शंस हैं हाउ टू मेंटेन साइलेंस, नहीं ये बिल्कुल नहीं. हाउ टू मेक नॉइस, नहीं. हाउ टू स्पीकिंग क्रिएट्स नॉइस, नहीं. टू बी पीसफुल थॉटफुल एंड हैव फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, यस. दिस इज द राइट आंसर. इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से बनते हैं कि इस पोएम का थीम क्या है, इस पोएम के पॉइंट कहना क्या चाहता है. तो आपको पता होना चाहिए कहीं भी ये थीम, ये लेसन, ये शिक्षा वाली बात आ जाती है तो इसके अंदर एक ब्रदरहुड जरूर आएगा, क्योंकि इस पोएम में हमें ब्रदरहुड का मैसेज दिया गया है. साथ ही साथ हमें इंट्रोस्पेक्ट करने का मैसेज भी यहाँ पे दिया गया. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17. नॉट मूव अवर आर्म्स, वट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू. जो पोएम के अंदर एक्सप्रेशन आता है नॉट मूव अवर आर्म, इस एक्सप्रेशन से पोइट का क्या मतलब है. सिट क्वाइटली, नहीं. स्टैंड क्वाइटली, नहीं. टू बी इनएक्टिव, नहीं. सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, यस. दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो गया डी. इसका मतलब है कि अपने सारे काम छोड़ के दो मिनट के लिए शांति से बैठे और इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18. बट इज साइलेंस ट्रीटेड एज अ बिग इशू. साइलेंस को क्यों एक बिग इशू की तरह देखा जाता है, क्यों ट्रीट किया जाता है. इट हेल्प इन सर्च अ सोल, यस. जैसे पोएट ने इस पोएम के अंदर साइलेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तो क्यों ऐसा किया है. इट हेल्प इन सर्च ऑफ सोल, यस. इट हेल्प्स टू एनालाइज अवर एक्शन, यस. हमारे एक्शन को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं. हेल्प अस टू बी थॉटफुल एंड फाइंड आउट वन ट्रू सेल्फ, अवर ट्रू सेल्फ, यस. हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के भी हमारे हेल्प करते हैं. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट आता है बट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ. किस चीज़ को हमें टोटल इनएक्टिविटी या डेथ के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए. मतलब स्टिलनेस और साइलेंस इसका राइट आंसर है. कि मतलब अगर कोई पर्सन बिल्कुल स्टिल खड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा और बिल्कुल साइलेंट है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो इनएक्टिव है या उसकी डेथ हो चुकी है. यानी कि साइलेंस को और डेथ से हमारा बहुत ज़्यादा अलग अलग रिलेशन है. साइलेंस थोड़े टाइम के लिए हो सकती है, पर डेथ जो है परमानेंट होती है, इनवेटिबल होती है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20. बट कैन बी क्योर्ड टू और एन एंटीडोट टू द वॉयलेंट एक्शन. वॉयलेंट एक्शंस को ख़त्म करने के लिए हम किस तरह का एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं. स्पीकिंग प्रैक्टिस, नहीं. स्पीकिंग से और ज़्यादा विवाद बढ़ सकता है. वाइज वर्ड्स, नहीं. पॉलिश लैंग्वेज, नहीं. इसका आंसर है प्रैक्टिस ऑफ साइलेंट.
बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ चुप रह के लड़ाई को बंद कर सकते हैं, तो इस केस में हमें प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस अपनाना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट। क्या सैडनेस है पोएम में, पोएट के बारे में जो पोएट हमें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लेट स्टार्ट। ऑप्शन है इसका फर्स्ट, वॉयलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुल थॉट्स ऑफ द पीपल। यस, ये सही हो सकता है। अननेसेसरी मूवमेंट, नहीं अननेसेसरी मूवमेंट की यहाँ पे बात नहीं की गई है। स्पीकिंग अलाउड, नहीं। फाइटिंग, नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉयलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ पीपल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द अर्थ सिम्बलाइज। अर्थ किस बारे में सिम्बलाइज करती है, प्रिजर्वेंस एंड न्यू बिगनिंग फ्रॉम सीमिंगनेस, स्टीलिंग स्टिलनेस, नहीं ग्रीनरी, नहीं प्रोस्पेरिटी, नहीं। तो इसका ऑप्शन है प्रिजर्वेंस एंड न्यू बिगनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टीलिंग। तो इसका आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड एंड स्टिल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी जिंदा रहेगी, जब सब लोग अगर शांति से बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाए फिर भी वो चीज़ अभी भी अलाइव हमें दिखेगी। तो इसका आंसर है माउंटेन्स, नहीं रिवर्स, नहीं सन, नहीं। अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि अर्थ और नेचर हमेशा ही जिंदा रहेंगे, चाहे सारे लोग थोड़े टाइम के लिए साइलेंट रह के इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाएं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट, या व्हाई डज द पीपल रिक्वेस्ट, मतलब पोएट ने लोगों को क्यों रिक्वेस्ट किया है कि वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। तो इसका ऑप्शन हम पढ़ते हैं, चलो, टू मेंटेन साइलेंस, नहीं टू अवॉइड नॉइज, टू नहीं टू बी फ्रेंडली, टू बिकमिंग मोर एंड मोर थॉटफुल एंड पीसफुल। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर पीसफुल एंड थॉटफुल। पोएट ने कहा है सभी पर्सन्स को थोड़ी देर के लिए चुप होने के लिए, ताकि सबको अपने बारे में सोचने का टाइम मिले, इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिले। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द पोएट वॉन्ट पीपल टू डू फॉर वन सेकेंड। एक सेकेंड के लिए क्या करने को कहा है पोइट ने पीपल को, टू सिंग, नहीं टू क्लोज योर आइज, नहीं टू स्टैंड क्वाइटली, नहीं टू स्टैंड एंड मोशन साइलेंट एंड मोशनलेस। यस, दिस इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन द मूवमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल। नो एक्टिविटी के जो मूवमेंट्स होंगे, वो पल होंगे, वो लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। दे विल बी हेल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। दे विल बी हैप्पी, नहीं। दे विल वर्क इजिली, नहीं। दे रिलैक्स, दे विल रिलैक्स एंड विल बी मोर थॉटफुल। उन्हें सोचने का टाइम मिलेगा, साथ ही साथ उनकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि आजकल हर एक पर्सन अपनी बिजी लाइफ में इतना बिजी हो गया है, या मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे इतना ज़्यादा भागने लगा है कि वो अपने कंफर्ट और अपने रिलैक्सेशन के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो इंजन्स एंड नो क्राउड। अगर ना तो कोई इंजन हो, ना ही कोई ग्रुप हो, क्राउड हो, तो उससे क्या होएगा। नॉइज विल बी लेसर, नहीं। नो क्राउड्स ऑन रोड, नहीं। नो ट्रैफिक रश, नहीं। इट विल क्रिएट अ परफेक्ट एंड हैप्पी एंड मोमेंट। एक परफेक्ट और हैप्पी मोमेंट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कोई क्राउड नहीं है, इसका मतलब सारे चुपचाप बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई इंजन्स की आवाज़ नहीं है, मतलब कोई भी पर्सन कोई काम में इन्वॉल्व नहीं है, वो सब शांति से बैठ के इंट्रोस्पेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई इज द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एग्जॉस्टिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में स्टार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुका है, जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर भी, हालांकि वो फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरह आता था, आपके में एमसीक्यू की तरह आ सकते हैं। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग क्यों कहा जाता है जो मोमेंट है वो साइलेंस की, जो अभी अभी पोएट ने क्रिएट करने के लिए कहा है। बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड, नहीं। बिकॉज ऑफ गैदरिंग, नहीं। बिकॉज ऑफ लार्ज गैदरिंग, नहीं। बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हारमनी, क्योंकि जब सारे लोग इंट्रोस्पेक्ट करने लगेंगे, वो एक परफेक्ट एग्जांपल होएगा पीस और हारमनी का। इसीलिए इस मूवमेंट को, साइलेंस की इस मूवमेंट को एग्जॉस्टिक कहा गया है, मतलब एक अविश्वसनीय मूवमेंट की तरह इसको ट्रीट किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि है, बट वुड एवरीवन फील एट दैट एग्जॉस्टिक एनवायरमेंट। उस एग्जॉस्टिक मूवमेंट में, उस एग्जॉस्टिक टाइम में सबको कैसा फील होएगा। तो इसका ऑप्शन है हैप्पी, नहीं। कंटेंट, नहीं। डांसिंग, नहीं। स्ट्रेंज पीसफुल वननेस, इसका मतलब सबको अकेलापन लगेगा, ऐसा लगेगा पूरी वर्ल्ड के अंदर सिर्फ वही अकेले हैं, जो कि पोएट हमें पोएम के थ्रू कन्वे करता है ये मैसेज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, हाउ लॉन्ग इज द पोएट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्टे स्टिल। मुझे लगता है इसका आंसर मुझे बताने की भी जरूरत है। 10 मिनट्स के लिए नहीं, 12 मिनट्स के लिए नहीं, 15 मिनट्स के लिए नहीं। इसका आंसर है फॉर वन सेकेंड टिल बी काउंट 12। जब तक वो 12 तक गिनती गिनेंगे, 12 तक गिनती गिनेंगे, तब तक सबको चुप रहना है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द पोएट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। ऐसा क्यों पोएट ने कहा है सबको कि कोई किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा थोड़ी देर के लिए। टू अवॉइड नॉइस, नहीं। टू अवॉइड लाउड नॉइस, नहीं। टू अवॉइड पीपल, नहीं। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, क्योंकि आजकल कुछ थोड़ी सी बात बोलने से भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, जिस
जिसके थ्रू हमें इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज उनकी वजह से फेस करनी पड़ती है। तो पॉइंट ने कहा है इन 12 सेकंड जब सारे लोग इंट्रोस्पेक्शन में बिजी होंगे कोई किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेगा ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के माइंड में ना आए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फिशरमैन। फिशरमैन से पोएट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? टू फाइंड मोर फिश, नहीं। टू गो डीपर इनटू द सी, नहीं। टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, यस दिस इज द राइट आंसर। पोएट ने खुद कहा है अपनी पोएम के थ्रू कि वो चाहता है कि ये फिशरमैन जो फिश को हार्म कर रहे हैं बार बार, ये सब काम छोड़ दे और इसकी जगह कोई और सोर्स ऑफ लिवलीहुड ढूंढ ले। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाइल गैदरिंग सॉल्ट व्हाट विल हैपन टू द मैन इफ ही कीप साइलेंट फॉर अ मोमेंट। जो मैन सॉल्ट इकट्ठा करता है सी शोर के पास से, वहां अगर वो दो मिनट के लिए साइलेंट रहे तो क्या होगा? ही विल स्टॉप ड्रॉपिंग इट, नहीं। ही विल लुक एट द ग्राउंड, नहीं। ही विल वॉक केयरफुली, नहीं। ही विल थिंक एंड ऑफ द हार्म ऑफ द सॉल्ट डूइंग टू हिज हैंड। जो पर्सन सॉल्ट इकट्ठा करते हैं ना फ्रेंड्स, उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा रैशेज टाइप कट्स टाइप पड़ जाते हैं वो सॉल्ट जब इकट्ठा करता है। तो अब जब वो लगातार काम में बिजी है, उसको अपने बाउंड्स की तरफ, उसको अपने रैशेज की तरफ देखने का कोई टाइम भी नहीं मिल रहा। बट जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो वो अपने इन रैशेज की तरफ देख पाएगा और उसको टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि क्या हार्म क्या नुकसान ये सॉल्ट इकट्ठा करना उसके हाथों को पहुँचा रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि है व्हाट डज द हर्ट हैंड रेफर्स टू। हर्ट हैंड से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है? इसका ग्रोइंग नीड्स ऑफ मैन, नहीं। ग्रोइंग ग्रीड ऑफ मैन, नहीं। अनफुलफिल डिजायर, नहीं। तो इसका आंसर है ग्रोथ इन सेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन। यानी कि मैन ना पेन के अगेंस्ट इनसेंसिटिव हो चुका है, उसको पेन से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ ग्रो करने से, ग्रो करने की से मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागने से। उसकी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर। मैन और नेचर को साइलेंस कैसे बेनिफिट देगा? ए बोथ विल बी फ्रेंड्स, नहीं। अ मैन विल बी नेचर बेटर, नहीं। मैन विल बी हेल्दी, नहीं। मैन विल स्टॉप हंटिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स, यस दिस इज द राइट आंसर। अगर मैन नेचर को हर्ट करना, उनको नुकसान पहुंचाना बंद कर दे तो दोनों इकट्ठे मिलके हील कर सकते हैं। हील करने का मतलब है जो भी कमियां या जो भी हर्ट उन्हें पहले के टाइम में मिल चुकी है उन सब कुछ चीज़ों को वो सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, विच इमेजेस इन द पोएम शोज दैट द पोएट कंडेम्स और हेट वॉयलेंस। क्या चीज़ है, क्या ऐसी इमेजेस हमें पोएट ने क्रिएट की है जिससे पता लगता है कि पोएट को वॉयलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है? फिशरमैन नॉट हैविंग हार्मिंग वेल्स, यस। वार्स लिविंग बिहाइंड, यस। ये सारी बात कही है। पोएट्स रिफ्यूजल टू डील विद डेथ, यस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर द पोएट यूजेस टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटली इन एक्टिविटी। सन का नहीं लेता, सोइल का नहीं लेता, अर्थ का नहीं लेता। आंसर है नेचर एंड अर्थ, जो कि अभी अपने पीछे क्वेश्चन भी आया था कि अगर सारे आदमी थोड़े टाइम के लिए इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाए तो हम किस चीज़ को देख के कहेंगे कि यस अभी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो है नेचर एंड अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर मेंशन इन द पोएम। वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यस। वॉर अगेंस्ट नेचर, यस, जो कि आजकल मैन रिसोर्सेज के लिए नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। वॉर अगेंस्ट गैसेज एंड फायर्स, यस, जो न्यूक्लियर वॉर्स की यहाँ पे बात की गई है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर। ह्यूमन बींग्स नेचर से क्या सीख सकते हैं? ब्यूटी, नहीं। कीपिंग क्वाइट, नहीं। टू बी हैप्पी, नहीं। वर्किंग विद साइलेंस, यस। नेचर चुपचाप बिना किसी को हार्म पहुंचाए अपना काम करता रहता है, वैसे ही ह्यूमन बींग्स का ये ड्यूटी है कि वो अपना काम बिना किसी को हार्म पहुंचाए करते रहे। नेक्स्ट आता है व्हाट डज द पोएट परसीव लाइफ, हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ। पोएट लाइफ को कैसे परसीव करता है, कैसे वो लाइफ को देखता है, ठीक है। एज स्टिलनेस, बिल्कुल भी नहीं। साइलेंस, बिल्कुल नहीं। नॉइसी प्लेस, नहीं। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नेचर, यस दिस इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपने खत्म होते हैं 40 एमसीक्यूज। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाने वाला हूँ। साथ ही साथ अपने कमेंट्स मेरे लिए ज़रूर छोड़ के जाना, क्योंकि यही कमेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और अमेजिंग कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू वेरी मच।